हाय दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप लोगों को मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। राहुल मोबाइल, जैसा कि दोस्तों इस समय प्रॉब्लम आ रहा है, MRT का जो वर्जन हमारा है 3.36 और इसमें जो आता है आपका MTK 2.60 जो कि इरर आ रहा है, उसको आप सॉल्व करेंगे। हालांकि इसमें ना ही डोंगल का प्रॉब्लम है ना ही आपके सिस्टम का प्रॉब्लम है MRT के सर्वर का। ठीक है दोस्तों, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे और आपको दिखा रहे हैं का क्या करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये हमारा MRT की ओपन हो चुका है और इसको हम ओपन करेंगे अब MRT 2.60। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमने ओपन किया तो यहाँ पे ये इरर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस इरर को हम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी टूल काम नहीं करेगा। जैसा कि ये हमारा खुल गया, इसको हम खोलते हैं, ये MDK टूल, तो ये हमारा ओपन नहीं होगा। तो सिंपल सा दोस्तों, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके लिए आप चले जाएंगे यहाँ पे सेटिंग पे, तो सेटिंग को कर लेते हैं हम ओपन। और यहाँ से जो हमारा सर्वर 2 दिख रहा है, इसको हमें करना है सर्वर 1। सर्वर 1 पे हो जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच अनलॉक सर्विस सक्सेस रिस्टार्ट द कंप्यूटर अप टेक इफेक्ट। तो इसको हम कर लेंगे सिंपल सा, इसको क्लोज। क्लोज करने के बाद दोबारा से इसको हम ओपन करेंगे 2.60 को, और इसको ओपन करते हैं। नहीं हुआ ओपन, इसको हम काट देंगे, दोबारा से करेंगे, इसको हम दोबारा से ओपन करेंगे यहाँ से। दोबारा ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देख लेंगे अपना MRT 2.60 को ओपन कर लेंगे। दोबारा ओपन कर लिए, अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये है सर्वर 1 दिखाने लगा। तो जैसा कि अब हम इसको ओपन करेंगे MTK टूल, तो ये हमारा आसानी से ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो परेशानी की कोई बात नहीं, आपको सिंपल सा सेटिंग में आके सर्वर 1 पे क्लिक करना है, ये सर्वर 1 पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।